हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो पीएम बाय पैशन एकेडमी। एंड आज मैंने डिस्कशन करने को जाउछंती फिजियोलॉजी रा मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। ऑफ कोर्स आज मु किछि मिसेकरी क्वेश्चन आनछि, माने फिजियोलॉजी माने एमती चैप्टर वाइज क्वेश्चन हो, सब चैप्टर रो मिसेकरी क्वेश्चन आनछि। ऑलरेडी हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन करछंती, बहुत सारा चैप्टर वाइज 50-50 क्वेश्चन करछंती। आज हम माने पूरा फिजियोलॉजी को मिसेकरी क्वेश्चन आंसर करबा। ओके, एंड ट्राई करबा कि 100 क्वेश्चन सॉल्व करिया पई। एंड कमेंट सेक्शन में मते लास्ट को जणैबे केतरा क्वेश्चन आपर ठीक है। आदि एमती होल सिलेबस एमसीक्यूज दरकार, कमेंट सेक्शन में जनइबे। पूरा सब सिलेबस को मिसेकी मैंने टोटाल जुलोजी भी आम मैंने ट्राए करवा 5-6 वीएसटी टेस्ट करवाई, वेरी सिमिलर टेस्ट करवाई। एंड डीपीपी पेपर आम प्राक्ट करुच्चे टेलीग्राम रे, सो जो मैंने भी टेलीग्राम चैनल जॉइन करना एवं ही सांगे सांगे जॉइन कर जातु। तो स्टार्ट करूँ आम फास्ट क्वेश्चन नु आंसर सहित मुझे नहींक आसी, जो मैंने कन्फ्यूज होते आंसर पर आंसर सहित नहींक आसी। बट आम ट्राए करवाजे आंसर को आग देखानी, आम क्वेश्चन पढ़ा क्वेश्चन अनुसार आमको कौ आंसर ठीक लगुच आम चूज करापर आम आंसर देखा, आग आम आंसर देखानी। ओके, तो स्टार्ट करवा फास्ट क्वेश्चन नु। व्हिच सब्जेक्ट डील्स विथ द इंटीग्रेटेड फंक्शन अफ द बडी, बडर सबूक फंक्शन जे क्यारेट करुच्चे कौन बोले कही था, कौ सिस्टम हिस्टोलोजी, हिस्टोलोजी कौन, टीस्यू आनाटमी कौन, बडर भितर को स्टडी कर आनाटमी कौन, साइकोलोजी तुम मेंटल एबिलिटी स्टडी करा कौन, तेल बढ़ला किए फिजियोलोजी। फिजियोलोजी मैंने बडर एंटायर जितक भी फंक्शन होती, रेस्पिरेसन, डायजेसन, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, या समस्त को मिसेकी आम कौन फिजियोलोजी। तो टोटाल इंटीग्रेटेड फंक्शन अफ द बडी इज नोन आज फिजियोलोजी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखा, व्हिच फंक्शनल ग्रुप्स आर फॉर्म बाय द एसोसिएशन ऑफ वेरियस टिश्यूज, टिश्यूज को लेकिन जहाँ सब तैयारी होती है बॉडी तक हमें कौन कहते ऑर्गन कहते, कारण सेल सेल को लेकिन टिश्यू, टिश्यू को लेकिन कौन है ऑर्गन है, से ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेल मेम्ब्रेन थिकनेस के 70-100 डिग्री एंगस्ट्रम, 100-150 डिग्री एंगस्ट्रम, 30-60 डिग्री एंगस्ट्रम और 10-20 डिग्री एंगस्ट्रम, केते रहुची सेल मेम्ब्रेन थिकनेस टोटल 70-100 डिग्री एंगस्ट्रम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सेल फिजियोलॉजी इंक्लूड्स एप्लीकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ लॉज ऑफ व्हिच सब्जेक्ट, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और फिजिक्स। जदि आम सेल बायोलॉजी देखा, सेल बायोलॉजी ने आम जो एप्लीकेशन गुड़ाक रही मैक्सिमम कौ लॉ को आधार करके ना फिजिक्स और केमिस्ट्री और लॉ को बेसी आधार करके आम सेल बायोलॉजी सेल फिजियोलॉजी को आम पढ़ुच्च, सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टीज ऑफ सेल दैट आर इक्वेटेड विथ दोज ऑफ लाइफ इंक्लूड्स ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म ऑल। प्लस टू फास्ट इयर रे फास्ट चैप्टर में पढ़ी गोटे सेल को जब आम स्टडी करवा, गोटे सेल भितर ग्रोथ भी आम पढ़ा, सेल रिप्रोडक्शन भी पढ़ा, आमर कौन कौन बॉडी रा मेटाबॉलिज्म होची ताको भी आम पढ़ा, तो समस्त को मिसेदे आम गोटे लाइफ आम कहते गोटे सेल को आम प्रपर भाव डिफाइन कर डिफाइनिंग प्रपर्टी आम जापार गोटे सेल रो डिफाइनिंग प्रपर्टी आम कौन कौन आसान ना ऑप्शन नंबर डी ऑल ग्रोथ रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। ओके, नेक्स्ट देखा, फेल्युअर ऑफ अ टिश्यू और ऑर्गन टू डेवलप इज कॉल्ड, जदि आम गोटे टिश्यू बा ऑर्गन आम डेवलप हो पार ना से प्रकार डिजीज को आम कौन कहते ना अप्लासिया बोलिक कहते हैं, अप्लासिया कौटी अच्छी ऑप्शन नंबर बी रे अच्छी। नेक्स्ट देखा, फॉलोइंग प्रोसेसेस कैन अकर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एट द सेम टाइम, ताको मैं कौन कहते ऑस्मोसिस कहते, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते, बोथ ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते ना नॉन ऑफ देम कहते। आम पढ़ी सेकेंड सेमिस्टर सेल बायोलॉजी रे पढ़ी ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, से ही समय आम पढ़ी ऑस्मोसिस भी हुए एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हुए, से बोथ हम आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी। कौ प्रोसेस आम सेल मेम्ब्रेन सेम टाइम ना ऑस्मोसिस भी होंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो, क्लियर। नेक्स्ट देखा, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसॉल्व्ड मटेरियल इनटू द सब्सटेंस ऑफ द सेल इज कॉल्ड फागोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, अब्जॉर्प्शन और डिफ्यूजन। आम जानते जब सेल भितर को जाऊँ दैट मीन्स अब्जॉर्प्शन, शोषी हवा, शोषण प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय व्हिच सेल कैन टेक इन फ्लूइड एंड मॉलिक्यूल्स टू लार्ज टू बी कैरिड अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड। जदि गोटे सेल थ्रू रे फ्लूइड बा वाटर मॉलिक्यूल एंटर करुची ताको हमें कौन कहते पिनोसाइटोसिस, कहीं फागोसाइटोसिस माने होची सेल ईटिंग प्रोसेस, सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस माने सेल भितर को फ्लूइड जाउची, फ्लूइड जाउची माने कौन हम पिनोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस, तो पिनोसाइटोसिस कौटी अच्छी ऑप्शन नंबर बी रे अच्छी, से ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ यूजफुल प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेल द प्रोसेस इज कॉल्ड सिक्रेशन, एक्सक्रीशन, स्वेटिंग और यूरिनेशन। पहले एक्सक्रीशन, स्वेटिंग, यूरिनेशन ए समस्ते आम सिक्रेशन अंडर रे ही आसुचंती, कहीं सिक्रेशन कहला मैंने बॉडी रो यूरिन भी जीव जहाँ यूरिनेशन बोली कहते बॉडी रो फिकल मैटर भी सिक्रेट होकर एक्सक्रीशन कहते बॉडी रो स्वेट भी सिक्रेट होकर स्वेटिंग प्रोसेस कहते, तो सिक्रेशन हम आम ये अप्रोप्रिएट आंसर। जदि आम बॉडी रो कौन यूजफुल जिनस सेल बाहर को जाऊँगी तो सिक्रेशन बोलिक
କହିଥାନ୍ତି ଓକେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଦ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ରିଆକ୍ଟ ଟୁ ଅ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଯଦି ରିଆକ୍ଟ କରଉଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ରିଆକ୍ଟ କରିବାକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି କୁହାଯାଏ ନା ଇରିଟାବିଲିଟି କୁହାଯାଏ ନା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଲିଟି କୁହାଯାଏ ନା ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କୁହାଯାଏ ରିଆକ୍ଟ କରିବାକୁ ଆମେ ଇରିଟାବିଲିଟି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ସୋ ଦ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ରିଆକ୍ଟ ଟୁ ଅ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଇରିଟାବିଲିଟି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଦ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟିଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଇମ୍ପଲ୍ସ ଇମ୍ପଲ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ହେଉଛି ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍ ଟୁ ଦ ଆନଦର ସେଲ୍ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଓବିଅସ୍ଲି ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛି ମାନେ କଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି କହିବା ଏଇଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ କ'ଣ ନା ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଦେବା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆମର କେବଳ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇକିରି ପଳାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମକୁ ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ଇମ୍ପଲ୍ସ ଇମ୍ପଲ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେଉଛି କେଉଁଠୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ସେଲ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କହିପାରିବା ନାହିଁ ୟାକୁ ଆମେ ପ୍ରପର୍ ଡିଫାଇନିଂ ୱାର୍ଡ଼ରେ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫ୍ ସର୍ଟେନିଂ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଯଦି ସେଲ୍ର ସର୍ଟେନିଂ ଗୋଟିଏ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ହେଇ ଚାଲୁଛି ତା'ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମାନେ ଶୋଷି ହେଇଯିବା ବା ଚାପି ହେଇଯିବା ବା ଛୋଟ ହେଇଯିବା ରିଲାକ୍ସ ହେବା ବା ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେବା ମାନେ ବଡ଼ ହେଇଯିବା ଖୋଲିଯିବା ଯଦି ସେଲ୍ ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ଚାପି ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଲ୍ର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଲିଟି ପ୍ରପର୍ଟି ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଲିଟି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ୍ର ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ କିଏ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଲିପିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ୍ର ବି ଗୋଟେ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ 20-30 ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ସଲ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏଇ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲି ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ଇଜ୍ ୱାଟର୍ ଅଲ୍ୱେଜ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ହେବ ୱାଟର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ନେକ୍ସଟ ୱାଟର୍ ଅକର୍ସ ଇନ୍ ଦ ସେଲ୍ ଆଜ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର୍ ବାଉଣ୍ଡ ୱାଟର୍ ବୋଥ୍ ଅର୍ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ୱାଟର୍ ବୋଥ୍ ଫର୍ମରେ ରୁହେ ଫ୍ରି ୱାଟର୍ରେ ବି ରୁହେ ଆଣ୍ଡ ବାଉଣ୍ଡ ୱାଟର୍ରେ ବି ରୁହେ ସେଲ୍ ଭିତରେ ୱାଟର୍ ଫ୍ରି ୱାଟର୍ ବାଉଣ୍ଡ ୱାଟର୍ ସବୁ ବୋଥ୍ ହେଇଯିବ ଆମର ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ ହାଉ ମଚ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର୍ ଲାଇଜ୍ ୱିଦିନ୍ ଦ ବଡି ସେଲ୍ ଗୋଟେ ବଡି ସେଲ୍ ଭିତରେ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ଏମାଉଣ୍ଟର ୱାଟର୍ ରହିଥାଏ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି 40% ୱାଟର୍ ଆମ ବଡି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଭିତରେ ଥାଏ ସୋ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ନେକ୍ସଟ ହାଉ ମଚ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର୍ ଲାଇଜ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ସେଲ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ୱିଦିନ୍ ଦ ସେଲ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ସେଲ୍ ସେଲ୍ ଭିତରେ ହେଲେ 40% ଯଦି ଦୁଇଟା ସେଲ୍ ଭିତରେ ରହୁଛି 15% ୱାଟର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ସେଇ ଉପରେ ପଚାରିଛି ହାଉ ମଚ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ବଡି ୱାଟର୍ ବାଇ ୱେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ଲାଜମା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି 5% ପାଣି ଦେଖାଯାଉଛି ତ 5% କେଉଁଠି ଅଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଷ୍ଟାର୍ ମାର୍କ କରିକି ଏଇ ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିକି ପଢ଼ିଲେ ଆମର ଆରାମସେ ମନେ ରହିଯିବ ସେଲ୍ ଭିତରେ ଦେଖାହେଉଛି 40% ୱାଟର୍ ସେଲ୍ ସେଲ୍ ଭିତରେ ଦେଖାହେଉଛି 15% ୱାଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଜମା ଦେଖାହେଉଛି ସେଠି ଆମର 5% ପାଣି ଦେଖାହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କ୍ଲିଅର୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମେଟାବୋଲିକ୍ ୱାଟର୍ ଇଜ୍ ଦ ୱାଟର୍ ଜେନେରେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ସେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ବଡି ମେଟାବୋଲିକ୍ ୱାଟର୍ କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ରାଇବୋସୋମ୍ରୁ ନା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରୁ ନା ବଡିଜ୍ ମାନେ ସେଲ୍ ବଡିଜ୍ରୁ ନା ସେଣ୍ଟ୍ରୋସୋମ୍ରୁ କେଉଁଠୁ ତିଆରି ହେଉଛି ନା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ସୋ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ନେକ୍ସଟ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ଇଜ୍ ୱାଟର୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଲିପିଡ୍ ଅର୍ ଇନ୍ଅର୍ଗାନିକ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପଚାରିଥିଲେ ଆମେ କହିଥିଲେ ୱାଟର୍ ୱାଟର୍ ପରେ କିଏ ଆସିବ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ସେମିତି ସମ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସର୍ଭ ଆଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କାମ କରନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗାରେ କାମ କରନ୍ତି ହେୟାର୍ରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି କି ୟେସ୍ କେରାଟିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଛି ଉଲ୍ରେ ରହିଛି ହର୍ନରେ ରହିଛି ୟାକୁ ଆମେ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଆନାଟମିରେ ବି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ଆମର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି ସୋ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍ ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଇମ୍ୟୁନିଟି ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଅର୍ ଆଜ୍ ଆଣ୍ଟିବଡିଜ୍ ଆମ ଇମ୍ୟୁନିଟି କହିଲେ ମାନେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଓବିଅସ୍ଲି ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ହିଁ ବୁଝିଥାନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯିଏକି ଆମର ଆଣ୍ଟିବଡି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଆଟାକ୍ କଲେ ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆମର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଆଣ୍ଟିବଡି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇନେଟ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆକ୍ୱାର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଓକେ ସୋ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଆଜ୍ ଆଣ୍ଟିବଡିଜ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କ୍ଲିୟର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏବାଉଟ 30% ଅଫ୍ ଦ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଆନିମଲ୍ ବଡି ୟା ଭିତରୁ କେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା ଏମିତି ଅଛି ଯିଏକି 30% ଟୋଟାଲ୍ ଆନିମଲ୍ ବଡିର ପ୍ରୋଟିନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଦେଖାଉଛି କୋଲାଜେନ୍ ଇଲାଷ୍ଟିନ୍ କେରାଟିନ୍ ଅର୍ ଫାଇବ୍ରିନ୍ କିଏ ଦେଖାଉଛି ନା କୋଲାଜେନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଉ ଏ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଥାର୍ଡ ସେମିଷ୍ଟରରେ କୋର୍ ପେପର 7ରେ ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ସେମାନେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଫଙ୍କସନାଲି କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ କେମିତିକା ହୋଇଥାଏ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଟର୍ସରୀ କ୍ୱାଟର୍ନାରୀ ସବୁ
प्रकार स्ट्रक्चर विषय में आम पढ़ी सो कोलाजन प्रोटीन होमर ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा द प्रोटीन अफ उल हेयर हर्नस एक्सेट्रा इज कल्ड आम पूर्व जस्ट पढ़ते उल हेयर हर्न किए था ना प्रोटीन थाए सो कोलाजन प्रोटीन थाए ना इलास्टिन थाए ना केराटिन थाए ना फाइब्रिन थाए सबूत केराटिन प्रोटीन थाए। साधारण आम जो शैंपू आडभर्टाइजमेंट देखती ना शैंपू आडभर्टाइजमेंट मेन करके जो ट्रेसमे शैंपू थाए से आमको आडभर्टाइजमेंट देखा नहीं हेयर में कौन अच्छी केराटिन अच्छी आ साधारण झील पाने बेसी जाती केराटिन ट्रीटमेंट करने निज हेयर कारण केराटिन लेवल जब कमे तेल हेयर फॉल होगा स्टार्ट हेयर आम थीन हो तो आम हेयर उल हर्न युवक कौन अच्छी ना केराटिन प्रोटीन रही जी आम हेयर को स्ट्रंग करके रखे गाई मान हर्न को स्ट्रंग करके रखे। ओके ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखा रिएक्टिव प्रोटीन्स इनक्लूड रिएक्टिव प्रोटीन क्या इनक्लूड कर एंजाइम को ना हार्मोन को ना ग्लोब्यूलिन्स ब्लड जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन अच्छी ना ऑल ऑफ द अबव सो रिएक्टिव प्रोटीन इनक्लूड ऑल ऑफ द अबव एंजाइम भी हार्मोन भी एंड जो ग्लोबिन प्रोटीन रही ब्लड में ग्लोब्यूलिन प्रोटीन ताको भी ये कंटेंट कर समस्त हो रिएक्टिव प्रोटीन से ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट लिपिड्स इनक्लूड ट्राइग्लिसराइड्स माने टैग वैक्सेस प्रोस्टाग्लैंडिंस और ऑल ऑफ द अबव सो ये समस्त को हमें लिपिड बोली कहते हैं लिपिड विषय में भी हमें प्रोटीन परे परे लिपिड रे पढ़ी कोर पेपर सेवेन ने लिपिड क्या इनक्लूड कर समस्त को इनक्लूड कर सो व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेल इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट बॉडी रे केते परसेंट आम सेल रे कार्बोहाइड्रेट रोचे ना ओनली 1% ऑफ द सेल इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड एनर्जी कैन बी स्टोर्ड मोर एफिशिएंटली आज कोड स्टोर हो रहा को फॉर्म में रहा एनर्जी कैन बी स्टोर्ड मोर एफिशिएंटली आज कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन और वाटर तो फैट हिसाब से आम बेसी स्टोर होकर रोचे जदि आम फैट जब आम देखिए बर्न होते एक्सरसाइज करते वर्कआउट करते आम जो भी स्टोरेज फूड थाए सी आम प्रथम भांगे तो स्टोरेज फॉर्म में आम बेसी के रोचे फैट रोचे एनर्जी जो भी फॉर्म में रोना कहीं सब तो आम कार्बोहाइड्रेट मैंने ग्लाइकोजन फॉर्म में रुहे कि बेसी करके आम फैट रुहे जितेबाला आम किसी बर्न करते बॉडी एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करती आम बॉडी फैट बर्न हुए कहीं प्रथम फैट ही ब्रेकडाउन कर तापर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एम सब ब्रेकडाउन करेंगे आग फैट ब्रेकडाउन करेंगे। ओके सो ये ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंट इन द सेल हाज अ हाई रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी कहार बेसी यूटिलाइजेशन हुए कार्ब्स फैट प्रोटीन और वाटर ना बेसी आम कार्ब्स मैंने कार्बोहाइड्रेट बेसी आम यूटिलाइजेशन हुए जेकि आमको एनर्जी जगह से आम कहते कार्बोहाइड्रेट जो है स्टाफ ऑफ लाइफ। ओके कार्बोहाइड्रेट को आम स्टाफ ऑफ लाइफ कहते जे आमको शक्ति जगाए कार्य कर दक्षता जगाए। नेक्स्ट RNA is intimately associated with synthesis of which constituent of the cell? Carbohydrate, protein, lipid or inorganic materials? कहाँ सहित RNA बेसी एसोसिएट होकर रोचे ना प्रोटीन सहित बेसी एसोसिएट होकर रोचे सो ऑप्शन नंबर बी। हाउ मच परसेंटेज ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल इज कंटेंट इन बोन्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केते अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल बोन रे थाए ना 65% थाए 65% कोठी रही ऑप्शन नंबर डी रे अछि से ऑप्शन नंबर डी हेजो हमरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट व्हिच मिनरल इज एसेंशियल पार्ट ऑफ थायरोक्सिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जे थायरोक्सिन एठे हमरा दुटा क्वेश्चन हे परबो गोटे होजे हमरा एंडोक्राइनोलॉजी ए क्वेश्चन दा हमरा फिजियोलॉजी रे भी आसी परबो एंडोक्राइनोलॉजी रे कारण थायरोक्सिन हार्मोन कोठो सिक्रेशन होची थायराइड ग्लैंड रु होसी आ थायरोक्सिन हार्मोन गोटे एंडोक्राइन ना एक्सोक्राइन ओबियसली गोटे एंडोक्राइन जेतु ए गोटे हार्मोन जेतिक हार्मोन हमर सब एंडोक्राइन हे तंदे त थायरोक्सिन गोटे एंडोक्राइन हार्मोन ये एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड रु सिक्रेशन होची एंड या पखरे आयोडीन नो कंटेंट बेसी अधिक थाए आयोडीन नेमिति गोटे मिनरल जदि ए अधिक हे जाउची बा कम हे जाउची ताले हमरा गॉइटर डिजीज स्टार्ट जो गोइटर आम कौन कहते ना थायरोक्सिन लेवल जब अप एंड डाउन होती है गोइटर होती नॉर्मल गोइटर एंड एक्सोथैलामिक गोइटर। ओके सो ये ऑप्शन नंबर कौन है सी आयोडीन कंटेंट बा आयोडीन मिनरल अधिक था थायरोक्सिन में। नेक्स्ट देखा व्हिच मिनरल इज एसेंशियल पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन आम जानते हीमोग्लोबिन किए थे आयरन थे जो ब्लड कौन देखा जाए रेड कलर देखा जाए तो आयरन कौटी अच्छी ऑप्शन नंबर ए रे अच्छी। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट आर एस्पेशियली एसेंशियल टू व्हिच सेल कौ सेल सहित आम बेसी एसेंशियली अटैच होकर इलेक्ट्रोलाइट नर्व मसल बोथ और नन ऑफ देम आंसर है बोथ कारण एमाने बोथ आम नर्व आ मसल थांती आ न्यूट्रालिटी को मेंटेन करके रखि थांती जो इलेक्ट्रल न्यूट्रालिटी थाए आम सेल रे से न्यूट्रालिटी को मेंटेन करके रखि थांती। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच इज द मोस्ट अब्यूडेंट मेजर आयन फाउंड इन द सेल बॉडी रा सेल रे को आयन बेसी परिमाण रे देखा जाए के प्लस आयन आम बेसी अमाउंट रे देखा जाए या पूर्व क्वेश्चन रो आंसर दे हैनी माने लिखा ही पारलानी सेथिपई आंसर एठी दिया हैनी बट करेक्ट आंसर हे जीवा बोथ ऑफ द अबव। ओके माने नर्व आ मसल तो कन्फ्यूज हेनी आंसर रे। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखिले पोटासियम आयन आम अधिक रोचे के प्लस। नेक्स्ट देखा प्रोटीन्स कैन एक्जिस्ट इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स क्रिस्टालॉइड और बोथ ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव प्रोटीन मैक्सिमम टाइम रे सेल भितरे कोलाइडल पार्टिकल हिसाब रे ही रहिता है कोलाइडल पार्टिकल हे कि प्रोटीन एक्जिस्ट करा
ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखा ह्विच ट्रांसमेम्ब्रेन मूवमेंट इनवल्व्स क्यारिअर या भितर कौटा गोटे क्यारिअर हिसाब से कम कर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्यारिअर हिसाब से कम कर कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी क्यारिअर हिसाब से कम कर अफकोर्स कम कर कहीं क्यारिअर आम कहते जी गोटे मॉलिक्यूल को गोटे जगह आउ गोटे जगह को ट्रांसफर करके आम क्यारिअर कहते तो थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट आम विभिन्न प्रकार मॉलिक्यूल मान ट्रांसपोर्टेशन हो पार्टी मूवमेंट हो पार्टी से दिजन को आम क्यारिअर कहते सो बोथ होटी आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सुगार्स डिपेंड ऑन व्हिच मेकानिज्म टू एंटर द सेल को मेकानिज्म फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द्वारा सुगार सेल भितर को एंटर करते हैं ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट द स्पीड ऑफ एंट्री ऑफ ग्लूकोज इज ग्रेटली इंक्रीज्ड बाय ऑक्सीटोसिन इंसुलिन ग्लुकागन थायरोक्सिन आम छुआ बेलू पढ़ी पढ़ी आसती ग्लूकोज जो जगह अच्छी माने इंसुलिन रही कारण ग्लूकोज बॉडी रे सुगार लेवल को ब्लड सुगार लेवल को हाई करे एंड इंसुलिन ब्लड सुगार लेवल को मेंटेन करे माने ग्लूकोज लेवल को कमे दिए सो द स्पीड ऑफ एंट्री ऑफ ग्लूकोज इज ग्रेटली इंक्रीज्ड बाय केतबेले इंक्रीज हबो ना इंसुलिन द्वारा प्रभावित होकर इंक्रीज हबो सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हाइग्रोमीटर आम जानते हाइग्रोमीटर कौन पर यूज करे ना वाटर कंटेंट को मापिया यूज करा जाए प्रोटीन लिपिड मिनरल ये सब तो क्वेश्चन ही उठुनि हाइग्रो ना आसला माने आमर एटी वाटर ना आसुची सो हाइग्रोमीटर आम यूज करती वाटर कंटेंट को मापिया पाई। ओके नेक्स्ट देखा व्हाट परसेंटेज सल्यूशन ऑफ NaCl इज कंसीडर्ड आइसोटोनिक टू मामालियन RBC केते एमाउंट्र सोडियम क्लोराइड रहिले मामालियन RBC आइसोटोनिक कंडीशन में अच्छी बोली आम जानवा निरोला घोषापाठ जदि 0.85% रोचे 85 पढ़वे 0.85% जदि आम सोडियम क्लोराइड NaCl रोचे तेल आम मामालियन RBC गोटे आइसोटोनिक कंडीशन में अच्छी बोली इमाजिन करती सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इफ अ बाथिंग फ्लुइड हाज अ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर दैन द सेल इज इट इज कॉल्ड आइसोटोनिक हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक और ऑल ऑफ द अबव लो माने कौन हाइपो जदि ये अधिक था हाइपर ही था जदि लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर अच्छी तेल नाम जना पड़े कौन हाइपो हम हाइपर कौन दे हाइपोटोनिक दिखाई लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फ्लुइड माने हाइपोटोनिक कंडीशन सो ऑप्शन नंबर बी। जदि ये हायर कंडीशन देते मैंने ए बाथिंग फ्लुइड हाज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर ताले ये हाइपरटोनिक होता। ओके नेक्स्ट इफ अ बाथिंग फ्लुइड हाज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पचरा होगा जदि हायर ऑस्मोटिक प्रेशर रहा कौन हम ना हाइपरटोनिक ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इफ अ बाथिंग फ्लुइड हाज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर जदि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रहा ओबियसली आइसो माने कौन सेम तो आम आइसोटोनिक कह कम थे हाइपोटोनिक अधिक थे हाइपरटोनिक आदि सामान रहा ऑस्मोटिक प्रेशर तेल आम आइसोटोनिक बोली क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्रिनेशन ऑफ रेड सेल कलर क्रिनेशन मैंने जदि आम गोटे सल्यूशन रखुं सेल को तेल से जदि मैं श्रिंक हो जाए चापी हो जाए तार शेप एंड साइज एज रु चेंज हो जाए कहते क्रिनेशन अब ये क्रिनेशन ऑफ रेड सेल कलर के हुए आइसोटोनिक कंडीशन हुए ना हाइपरटोनिक कंडीशन हुए ना हाइपोटोनिक कंडीशन हुए ना सब प्रकार कंडीशन हुए पिले ये केवल हाइपरटोनिक कंडीशन हुए। ओके तो जदि हाइपरटोनिक कंडीशन रहा है क्रिनेशन ऑफ रेड सेल कलर हम ऑप्शन नंबर बी। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके लिखिक रखु सेम जस तार अपोजिट स्वेलिंग स्वेलिंग माने कौन से धीरे धीरे एक्सपांड कर जगह श्रिंक हो जाए स्वेलिंग माने एक्सपांड कर एक्सपानशन होती स्वेलिंग हम बेसी स्वेलिंग हो गले निजर साइज टू ओवर साइज हो गले सेल आम ब्रस्ट भी करा फाटी भी जा सो स्वेलिंग और ब्रस्टिंग ऑफ रेड सेल केतबेले हबो जदि क्रिनेशन होची हाइपर रे ताले स्वेलिंग केतबेले हबो लोअर रे लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर माने कौन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को जगह हाइपोटोनिक लिखाई है ऑप्शन नंबर बी लिखा है हाइपोटोनिक तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मल सॉल्यूशन मोलार सॉल्यूशन सिंपल सॉल्यूशन केमिस्ट्री में पढ़ी पढ़ी आसमे मोलार सॉल्यूशन बोली कहते तो आपको आम आज बेसी मुंड खटेबा दरकार नहीं ऑप्शन नंबर बी। आउ एगुड़ाक आपने भावुए केमिस्ट्री जिन आम कहीं पचरा होती पीले यहाँ हो सेल बायोलोजी क्वेश्चन सेल बायोलोजी में जो ट्रांसपोर्टेशन विषय में पढ़ुते से आम यही सेम जिनस गुड़ाक पढ़ुते सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन आउ एसबूर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन मोलार सॉल्यूशन कौन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन आइसोटोनिक कौन ये सब जिनस सेल बायोलोजी में पढ़ी था पीले से क्वेश्चन आंसर आम कौन हो ऑप्शन नंबर बी मोलार सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए से सेम केमिस्ट्री टाइप क्वेश्चन अच्छी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड जानते हमें नॉर्मल सॉल्यूशन हम तो कहते जे नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड 1000 ग्राम कौन कहते मोलार सॉल्यूशन कहते केमिस्ट्री सब जिन पढ़ी आसते देखो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन मुझे करूँ ही नहीं जदि लॉस ऑफ वाटर कह गए टिश्यू वाटर लॉस हो जाए बॉडी वाटर लॉस हो गए कौन कहते हम बॉडी
डिहाइड्रेशन होगा डिहाइड्रेशन से मोर टे गैस से मोर पेट काटुच्छे डिहाइड्रेशन मोर बांति होसबू आम कहते ना ना पानी आम बडी कमी जा सो लस अफ वाटर फ्रम द टीस्यूज बडी टीस्यू कमी गले कौन कह डिहाइड्रेशन कह सो अपसन नंबर बी नेक्स्ट आजिकार लास्ट क्वेश्चन देखीद व्हिच आयन इज फाउंड ग्रेटर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल आउटसाइड द सेल किए बेसी देखा सोडियम देखा सो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर आउ गोटे क्वेश्चन करदे जदि आउटर साइड रे सोडियम देखा बॉडी भितर कौन से कौटा देखा ऑलरेडी आम आंसर आउ गोटे क्वेश्चन कर सारी के प्लस आयन तो के प्लस कौन पोटासीयम बॉडी रो भितर साइड रे जदि सोडियम देखा सॉरी हाँ बॉडी रा बाहर साइड रे जदि सोडियम देखा होची ताले बॉडी रा भीतर साइड रे पोटासियम आयन माने के आयन देखा जीव ओके व्हिच आयन इज फाउंड इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इज के प्लस आयन ऑप्शन नंबर ए सो आज आम 52 क्वेश्चन सॉल्व करले एंड आई होप कि समस्त 45 एबव क्वेश्चन आंसर ठीक है कारण मात्र कम दिन रहा परीक्षा एंड समस्त को एग्जाम पे ऑल द बेस्ट डेली डेली मुझे ऑल द बेस्ट विश करी एंड कल आम मैंने आउ गोटे सुंदर क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं आसवा डेवलपमेंटल बायोलोजी तो समस्ते वीडियो को देखु एंड जिते भी फ्रेंड्स जूनियर सीनियर अच्छे समस्त को शेयर करते एंड वीडियो हेल्पफुल रही है प्लीज 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 लाइक करके आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ देखा नेक्स्ट क्लास में थैंक यू।